सैल्मन, डेट्स एंड नट्स, यहाँ पर हर तरह के खजूर हैं जो अरब कंट्रीज से, ईरान से आए, और यहाँ पर अंजीर, जैतून का तेल, हर तरह के सेहत के लिए बहुत ही ज़रूरी आइटम्स खाने के लिए यहाँ पर मौजूद है। यह दुकान खंजर गली दरगाह के बिल्कुल बाजू में, शालीमार होटल के बिल्कुल पीछे, हरमैन डेट्स एंड नट्स, सेहत के लिए यहाँ पर आना न भूलिए। आदाब, मैं जमील अहमद, ये प्राइम न्यूज़ इंडिया और संचार टाइम क्राइम न्यूज़ है। आइए देखते हैं इस वक्त की अहम खबर क्या है। इस वक्त की अहम खबर बेलगावी शहर से है, जहां पर सहारा फाउंडेशन के जो 3 साल मुकम्मल होने के बाद उन्होंने अपनी कारकर्दगी को, जिस तरह से उन्होंने लोगों की खिदमत की है, उनके प्रेसिडेंट सलमान शेख ने बड़ी तफसील से बयान किया है। उन्होंने कई मरीजों का इलाज किया है हज़ारों की तादाद में, और 10 रुपये फीस के ज़रिए से वो मरीजों का इलाज करते हुए आ रहे हैं, और इसी तरह आँखों का ऑपरेशन भी किया है, मोती बिंदु का ऑपरेशन किया है, और 200 लोगों को उन्होंने चश्मे भी दिए हैं। इस तरह की खिदमत तो लोगों की करते हुए आ रहे हैं। इसी संदर्भ में 3 साल मुकम्मल होने के बाद एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और लोगों को बुलाया और तफसील से उनके पूरे कारकर्दगी को बयान किया है। उससे पता चलता है कि इन्होंने किस अंदाज से, किस दिलचस्पी से लोगों की, खासकर गरीब और मिडिल क्लास के लोगों की खिदमत करने का जज्बा रखते हैं। और इसी मौके पर कई उलमाए कराम भी मौजूद थे, जिनमें मौलाना तुफेल साहब और मौलाना मुश्ताक साहब और भी बहुत सारे लोग यहां पर मौजूद रहे, और वसीम मस्के वाले भी थे, अब्दुल कादर घी वाले, जो एक मेडिकल इंचार्ज के तौर पर पूरे बेलगावी डिस्ट्रिक्ट में जानी मानी शख्सियत है, वो भी यहां पर मौजूद रहे। अमान सेठ भी थे जो यहां पर तशरीफ फरमा थे। उसके बाद राजू सेठ, जो MLA कैंडिडेट है हमारे नॉर्थ के, वो आने में काफ़ी देर हुई, मगर वो भी पहुँचे। पहुँचने के बाद लोगों में खुशी की मंजर देखने को मिली और इन्होंने भी अपने ख्याल का इजहार किया और सहारा फाउंडेशन की तारीफ की और उन्हें मदद करने की भी बात कही है। इसी संदर्भ में कई लोगों ने बयान भी किए, तफसील से बताएं। इस वक्त जो इलेक्शन का मोड में है पूरा कर्नाटक का स्टेट, और इलेक्शन की तैयारियों में लगे हैं। इसी संदर्भ में कुछ लोगों ने बताया कि इलेक्शन को किस तरह से लेना चाहिए, वोट की अहमियत क्या है, वोट हर एक इंसान को अपना वोट का अधिकार देना चाहिए और ऐसे शख्स को जिता कर लेना चाहिए जो ईमानदार हो और सचमुच लोगों की खिदमत करने वाला हो और देश से मोहब्बत करने वाला, अपने इलाके से, अपने स्टेट से मोहब्बत करने वाला शख्स को चुनना चाहिए। ऐसे लोगों को न चुने जो इस मुल्क में नफरत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। धर्म के नाम पर दंगे फसाद, मस्जिद और मंदिर के नाम पर, और एक नफरत की आग फैलाकर सियासत करना चाहते हैं। और इस मुल्क में जहां पर गंगा जमनी की तहजीब के लिए ये मुल्क माना जाता है, उसकी गंगा जमनी तहजीब को तोड़ना चाहते हैं, यहां के संविधान को मिटाने की भी बात करते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहकर एक ऐसी पार्टी को वोट दें जो सेकुलर के नाम से जानी जाती है और जिससे देश को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। इसी संदर्भ में सहारा फाउंडेशन के सलमान ने भी तफसील से बयान किया और काफ़ी तादाद में लोग यहाँ पर जमा रहे, और एक पैगाम दिया गया कि सचमुच ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से लोगों को, गरीबों का फ़ायदा होगा और उनकी मदद होगी, और लोगों से अपील भी है कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की मदद करें। आइए देखते हैं। मैं तो इलेक्शन के बारे में बात भी नहीं करना चाहता था। तो 10 तारीख को सुबह 1 नंबर बटन, जब तक आवाज़ नहीं आता तब तक छोड़िए मत, स्लिप आने तक छोड़िए मत। हमने थोड़े पिछले इलेक्शन के रिकॉर्ड्स देखे हैं, यहाँ हमारे 800 वोट थे और 200 जीते हैं, तो कहाँ भी गड़बड़ हो सकती है। तो मुझे आपके वोट भी चाहिए, खास कर आपसे, और उससे ज़्यादा मेरे को आपकी दुआएँ चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जमील अहमद, प्राइम न्यूज़ इंडिया और संचार टाइम क्राइम न्यूज़ के खास बुलेटिन में। आज हम सहारा फाउंडेशन के 3 साल का जो सेलिब्रेशन इन्होंने मनाया है, यहाँ पर शरीक थे। जिस तरह से सहारा फाउंडेशन ने लोगों की खिदमत करते हुए आ रहे हैं, और तमाम उलमाए कराम भी यहाँ मौजूद थे, लीडर भी थे, मस्के वाले थे, तुफेल साहब थे, मुश्ताक अहमद साहब भी। सर, आप यहाँ पर अटेंड किए इस प्रोग्राम को, कैसा लगा? जी हाँ, आज हमें जो है एज ए गेस्ट यहाँ पर इन्वाइट किया गया था, और सहारा फाउंडेशन 3 साल के छोटे से वक्त में जो मेडिकल खिदमत की है, मैं ख़ुद दंग रह गया। और उन्होंने जो काम यहाँ पर किए हैं, अगर उसका रेशो निकाला जाए तो
करोड़ रुपीज़ से भी ज़्यादा के मामलात मुझे नज़र आ रहे हैं और 20,000 पेशेंट्स की खिदमत इन्होंने की है और बिलखुसूस कैटरेक्ट का जो उन्होंने आँख का ऑपरेशन और फिर कार्डियक मामलात जो उन्होंने किए हैं इससे मैं बहुत खुश हो गया। नेक्स्ट इनका जो प्लान है वो गायनेक में मामला है और हमारी ख़वातीन के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। मैं फाउंडेशन के प्रेसिडेंट सलमान शेख सर को और उनकी सारी टीम को दिल की अमीक गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं और अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूं कि अल्लाह इन्हें इस्तिकामत अता फरमाए और इंसानियत की खिदमत के लिए अल्लाह इन्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मौलाना तुफैल साहब, आप यहाँ पर इस प्रोग्राम को अटेंड किए, आपको क्या लगा कि ये इंसानियत का खिदमत का जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं ये ज़रूरी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल ज़रूरी है, बल्कि ये नबी वाला काम है, हजरत अंबिया वाला काम है। अंबिया अलैहिस्सलाम का ही काम है और ख़िदमत जो है इंसानियत के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। अल्लाह ताला ने हर इंसान को मुख्तलिफ़ मिजाज का बनाया है, अमीर गरीब बीमार तंदुरुस्त, हर अच्छे को हर कमज़ोर का साथ देने का हुक्म भी कुरान हदीस में दिया गया है। माशाल्लाह ये सहारा फाउंडेशन के कामों को देखकर दिल से बड़ी दुआ भी निकलती है और ख़ुशी भी होती है कि ये चंद मेंबरान काफ़ी बड़ा काम जो है ये लोग कर चुके हैं। हार्ट के मरीज़ों का इलाज हो गया, आँखों का जो है ऑपरेशन उन्होंने किया है, इस तरीके से 20,000 लोगों का रजिस्ट्रेशन उन्होंने करवाया है, तो ये वाक़ेतन काबिल तारीफ़ और काबिल सताइश है। मैं दिल की गहराइयों से इन सब मेंबरान को मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह ताला इनको जो है वो मजबूत फरमाए और खुलूस के साथ काम करने की इन्हें तौफीक भी दे। इनकी सबसे बड़ी जो है कोशिश ये अच्छी लगी कि इन्होंने हुकूमत से जो माइनॉरिटीज़ के लिए जो स्कीम्स होते हैं, जो पैसे जो है वो आते हैं, हम सारे के सारे जो है आपस में कलेक्शन तो करते हैं मगर उससे काम होता है मगर उतना बड़ा नहीं हो पाता है जितना होना चाहिए। जो ज़रूरतें हैं, जो बड़े बड़े ऑपरेशंस हैं, वो आपसी तआवुन से उतने नहीं हो पाते हैं। जब एक हुकूमत हमारे लिए और हमारे टैक्सों से जो है वो जमा करके एक रकम जो है मुतय्यन करती है, तो ये इस एनजीओज़ के लिए भी और मैं तमाम एनजीओज़ से भी जो है दरख्वास्त करता हूँ कि ऐसे जो हमारे लिए स्कीम्स आती हैं उनको वहाँ तक पहुँचना चाहिए और उसको हासिल करना चाहिए। इससे एक काम बड़ा होगा, बड़े बड़े जो है वो ऑपरेशंस और बड़े बड़े बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। और जैसा इनका अगला प्लान और एडवांस प्लानिंग जो है डायग्नोसिस सेंटर वगैरह निकालने का, तो इसके लिए जो है ज़रूरी है कि हम हुकूमत से जो है वो कोशिश करके जो है वो पैसा लें, ग्रांट हासिल करें, तो इससे बहुत बड़ा काम होगा। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला इस एनजीओज़ को और तरक्की दे, दिन दोगुनी जो है वो मेहनत करने की इस्तेदाद भी पैदा फरमाएँ, और तमाम मुसलमानों से भी मुसलमानों के लिए दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला जो है इनका हाथ बिठाने की और इनके कामों में मदद करने की तौफीक नसीब फरमाए। मस्के वाले साहब, आप इस प्रोग्राम में अटेंड किए, आपके राय क्या है? ऐसे प्रोग्राम आज बहुत खुशी का दिन है कि मुझे एक मौका दिया गया कि मैं यहाँ पे मेहमान खुसूसी बनकर आऊँ, और खुशी इस बात की है कि सहारा फाउंडेशन ने अपने 3 साल पूरे किए हैं खिदमात के और कौम और मिल्लत के लिए उन्होंने काम किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जज्बे को अगर हम लोग आगे लेकर जाएंगे, ये जो जज्बा है अगर हमारे नौजवानों में आएगा कि कौम की खिदमत, इंसानियत की खिदमत, ये हमारे हदीस में और इस्लाम ने हमें सिखाया है कि अपनी कौम की खिदमत करो, अपने लोगों की खिदमत करो, और इस खिदमत से जो ज़रूरतमंद है वो लोगों को मदद करो। तो मुफ्ती साहब ने और मौलाना साहब ने तफसील में बताया है कि इस्लाम की रोशनी में ये बात को किस तरह से हम आगे ले जा सकते हैं, लेकिन बात ये ज़रूरत ये है कि जैसे सहारा फाउंडेशन ने अपने मोहल्ले में एक क्लिनिक चालू की है और हज़ारों लोगों को, एक छोटी सी कोशिश ने हज़ारों लोगों को राहत दी है, ऐसी कोशिश अगर हर मोहल्ले में हो, अगर ऐसी कोशिश हर गली में हो, तो कितने लोगों को राहत मिलेगी और कितने लोगों को मदद मिलेगी, फ़ायदा मिलेगा, ये जज्बा हमें आगे लेकर जाना है। हम लोग अपने लोग जो कौम के लिए जो सोचते हैं, ये जो हम अपनी कौम की बात करें तो हम लोग 1,000 रुपये अपने
एक टीवी चैनल के सब्सक्रिप्शन के लिए देते हैं, केबल टीवी वालों को 1,000 रुपये हर महीना देते हैं, लेकिन जब मस्जिद और कौम की खिदमत की बात आती है तो हमें NGOs को देना है या किसी को खिदमत के लिए देना है तो हमारी जेबों से 150 रुपये भी नहीं निकलते। तो ये चीज़ें अगर हम सोचें कि अगर ज़रूरतमंद का फ़ायदा हो रहा है, कौम का फ़ायदा हो रहा है, तो इससे बड़ी बात क्या होगी। इंशाल्लाह आने आगे के दौर में सारा वेलफेयर ट्रस्ट वाले ये इनका जो आगे का विज़न है, ये एक डायग्नोस्टिक सेंटर बनाने का है जहाँ पे गरीब लोगों को जो टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट होते हैं और बाकी के जो टेस्ट होते हैं उसमें मदद हो। तो मेरी तरफ से मैंने जो भी मदद छोटी मोटी करनी थी मैंने की है, और मैं आवाम से ये दरख्वास्त करूँगा कि इस सेंटर के लिए सब लोग ताउन करें, मदद करें। इंशाल्लाह ये डायग्नोस्टिक सेंटर अगर खुलेगा तो सभी गरीब आवाम का इसमें फ़ायदा होगा, और आगे चलकर हम सब लोग मिलकर ऐसे तंजीमों की मदद करें। शुक्रिया। खबरों को प्राइम न्यूज इंडिया को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए, लाइक और शेयर करना न